देश में एक एजुकेशन बोर्ड हो सकता है? क्या पूरे देश में एक ही सिलेबस लागू किया जा सकता है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा और ये सवाल पूछा गया है एक याचिका पर, जिसमें दलील दी गई कि संविधान सबको नौकरियों में समान मौके देता है। जब राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षाएं होती है तो भी एक बोर्ड की सिलेबस के आधार पर होती है, फिर देश में अलग अलग बोर्ड की जरूरत आखिर क्यों है? पढ़ लिख कर जिंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल करना हर छात्र का सपना होता है, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता देश के अलग अलग हिस्सों में बदल जाता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग एजुकेशन बोर्ड, अलग अलग सिलेबस है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पहुंची है जिसमें पूरे देश में एक ही बोर्ड लागू करने की गुजारिश की गई। अर्जी देने वाले की दलील ये है कि मौलिक अधिकारों को लेकर अनुच्छेद 14 में हर नागरिक को समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 16 नौकरियों में समान अवसर का अधिकार देता है और अनुच्छेद 21A 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। अगर ये सारे नियम पूरे देश में एक हैं, तो पूरे देश में एक एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? याचिकाकर्ता के मुताबिक पूरे देश में शिक्षा समान नहीं है, जबकि पूरे देश में कई बड़े इम्तिहान नेशनल लेवल पर ही होते हैं। इस हालत में अगर कोई छात्र यूपी बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई कर परीक्षा में शामिल होता है तो सिलेबस समान नहीं होने से परीक्षा में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यूपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग के लिए परीक्षाएं सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के तर्ज पर आयोजित की जाती हैं, लेकिन इन परीक्षाओं में पूरे देश से छात्र शामिल होते हैं। जाहिर है सीबीएसई से इतर बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्रों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वो ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकते जिसे लागू करने में परेशानी का सामना करना पड़े, लिहाजा याचिकाकर्ता को सरकार से संपर्क करना चाहिए। दरअसल एक देश एक एजुकेशन बोर्ड के लिए पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन तब भी कोर्ट ने इसे सरकार के पाले में डाल दिया था। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या पूरे देश में एक ही एजुकेशन बोर्ड बनाना मुमकिन है। केंद्र सरकार को 8 हफ्तों में अपना जवाब सौंपना है। रिपोर्ट जी मीडिया। तो केंद्र सरकार के पास 8 हफ्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कह दिया है कि आप केंद्र सरकार से संपर्क में आइए और 8 हफ्ते में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को यहां पर सौंपनी है। अब समझिए कि आपका बच्चा कौन से बोर्ड में पढ़ाई करता है। वो सीबीएसई में पढ़ता है, आईसीएसई में पढ़ता है, आईबी बोर्ड में पढ़ता है, या फिर स्टेट्स के जो अलग अलग बोर्ड्स हैं उनके किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाई करता है। हालांकि सबका सब शिक्षा तो देते हैं, लेकिन सबका स्तर और साथ ही साथ पढ़ाने का तरीका जो है, करिकुलम जो है, वो बिल्कुल अलग यहां पर होता है। इसीलिए मांग उठी कि पूरे देश में एक ही बोर्ड होना भी चाहिए। मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब हैं जो कि खुद पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता है। जेएस राजपूत मेरे साथ हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और साथ ही साथ परवीन मल्होत्रा साहब भी मेरे साथ हैं जो डायरेक्टर हैं करियर गाइडेंस इंडिया के, वो मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं। सबसे पहले अश्विनी जी, आपने ये पिटिशन यहां पर दाखिल की और अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्ट कर दिया है एक तरह से केंद्र सरकार की तरफ। क्या कुछ आगे का आपका प्लान है, कैसे किससे बात करने वाले हैं? देखिए, हमने पिछले साल जो याचिका डाली थी उसमें हमने वन नेशन वन सिलेबस की बात किया था। ये याचिका थोड़ा उससे अलग है, इसमें हमने वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड की बात किया है और उसमें प्रॉपर नोटिस इशू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को नोटिस किया गया है, 8 हफ्ते के अंदर उनको जवाब देना और जुलाई में यह मैटर फिर से सुनवाई पे आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि सब लोग समान है, आर्टिकल 15 कहता है कि आप जाति धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे, आर्टिकल 16 हमारा कहता है कि सबको समान अवसर मिलेगा, और 21A में 14 साल तक के बच्चों का फंडामेंटल राइट हो गया है, ये राइट टू एजुकेशन। इसके बावजूद हमारा जो सबसे मेन ग्राउंड ये है कि अगर हमारी शिक्षा ही समान नहीं है, अगर हमारी शिक्षा असमान है तो सबको समान अवसर कैसे मिलेगा? उदाहरण के लिए, आपकी इंजीनियरिंग की परीक्षा जो IIT JEE होती है वो नेशनल लेवल पर होती है, उसका सिलेबस CBSE सेट करता है, तो ICSE वाले, ICSE बोर्ड वाले को नुकसान होगा।
यूपी बोर्ड वाले को नुकसान होगा, बिहार बोर्ड वाले को नुकसान हो गया, और भी जो स्टेट बोर्ड उनको नुकसान हो गया। आपकी जो मेडिकल की एग्जाम है वो भी आजकल नीट के थ्रू होगा, नेशनल लेवल पे होगा। अगर वन नेशन वन एग्जाम है तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? अब उस नीट की परीक्षा में अगर सीबीएसई के पैटर्न पे पेपर सेट होगा तो फिर वही दिक्कत आएगी। आईएएस की परीक्षा नेशनल लेवल पे होती है तो वो पर्टिकुलर एक पैटर्न पे सेट होगी। मान लीजिए वो सीबीएसई सेट करता है तो आईसीएसई वाले को नुकसान, आईसीएसई के पैटर्न पे होता है तो सीबीएसई वाले को नुकसान, स्टेट बोर्ड के पैटर्न पे होता है तो बाकी सबको नुकसान। तो इसलिए भारत एक देश है और हमारे संविधान में तो लगातार, अगर पूरे संविधान को आप देखें, लगातार इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, समता समानता समता समानता, यही हमारे जो संविधान का भाव यही है। तो ये संविधान का जो मूल भाव है समता समान समानता, समता मूलक समाज की स्थापना, वो जब तक ये अनइक्वल एजुकेशन है, जब तक असमान शिक्षा है, तब तक वो अचीव किया नहीं जा सकता है। ठीक है, एक और चीज अश्विनी जी, बहुत जल्दी से जो इस समय आपसे बातचीत के बाद मेरे दिमाग में आई वो ये, चलिए स्कूल्स को तो आप एक बोर्ड में शामिल कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे मदरसा होते हैं, बच्चे मदरसा में पढ़ने जाते हैं, क्या ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट इसे वन नेशन वन बोर्ड बना देता है, सो यू थिंक विल इट बी एप्लीकेबल देयर, या फिर उनके लिए कुछ अलग गाइडलाइंस होंगी? ये मेरे मन में एक सवाल आया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और यहाँ पे राजपूत साहब बैठे हैं हमारे, बहुत ही बहुत अच्छे शिक्षाविद रहे हैं और एनसीईआरटी के डायरेक्टर रहे हैं। ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो ये सब पे लागू होता था। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना तो सब पे लागू होता था, चाहे मदरसा हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो। अच्छा, 2012 में कांग्रेस ने जब उनकी पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मीटिंग हुई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, तो उन्होंने मदरसे को बाहर कर दिया। अब बाद में दूसरी तरफ से थोड़ा हंगामा हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए जो वैदिक स्कूल है उनको बाहर कर दिया। मेरा अपना मानना है कि 14 साल तक के सभी बच्चों को यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए, कॉमन एजुकेशन होना चाहिए। हमारे संविधान में तो कॉमन सिविल कोड लिखा हुआ है, तो कॉमन सिविल कोड तो बाद में आएगा, कॉमन एजुकेशन उसके पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, राजपूत सर क्या कहेंगे आप इस पर? और ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अश्विनी राजपूत जी से बात कर लेते हैं। ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। राजपूत जी आप बताइए जरा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ मिस्टर उपाध्याय को कह दिया है कि आप सरकार से बातचीत कीजिए, और मिनिस्ट्री को भी यहाँ पर अब 8 हफ्ते का समय मिल गया, उसके बाद एक रिपोर्ट देनी है। हाउ मच ऑफ फिजिबिलिटी डू यू सी सर टर्निंग दिस इनटू रियलिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। राज्य सरकारें कह सकती है कि क्यों हम अपने बोर्ड्स को खत्म करें जहां हमारे स्तर की एजुकेशन हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है ऐसे केस में। ऐसा है, मैं अश्विनी जी की भावना की बहुत ही का सम्मान करता हूं, लेकिन चूंकि मैंने इस क्षेत्र में बहुत से वर्ष बिताए हैं इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से कहना चाहूँगा कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि स्कूल के बहुत से बोर्ड हैं, राज्यों के बोर्ड हैं, केंद्र में कई 3-4 बोर्ड हैं, कुल मिलाकर 50 से अधिक बोर्ड हैं देश में। बच्चों को इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे इन्हों का नीट परीक्षा में किसी बच्चे को कोई कम या ज़्यादा की स्थिति नहीं बननी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपरेखा बनी गई पाठ्यक्रम की हर कक्षा के लिए, और उस रूपरेखा को सारा राष्ट्र मिलकर बनाएगा, जैसे सारे राज्यों के बोर्ड भी होंगे, शिक्षा मंत्री भी होंगे, और एनसीईआरटी उसका जो है प्रबंधन करेगी, उसने ऐसा काम करती रही है। इसका मूल कारण यही था कि ऐसा न हो कि किसी मान लो कक्षा 10 के स्तर पर एक राज्य का स्तर ऊँचा हो जाए, दूसरे का नीचा हो जाए। अब ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की भी मान्यता है, सारे बोर्ड्स की मान्यता है कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस बनता है वह एक आधार होता है, उसी के समकक्ष बनाना चाहिए। समकक्षता की बात क्यों आती है? जैसे मान लीजिए अगर हम कक्षा 5 में पर्यावरण शिक्षा की एक किताब बनाएं और उस किताब को कहें कि ये किताब त्रिवेंद्रम में भी चलेगी, त्रिपुरा में भी चलेगी, राजकोट के गाँव में भी पढ़ाई जाएगी और उड़ीसा के कोरापुट में भी पढ़ाई जाएगी, तो ये असंभव बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए और ये शैक्षिक दृष्टिकोण से भी संभव नहीं है। केवल आप ये कह सकते हैं कि कक्षा 5 तक बच्चे को पर्यावरण में कितनी जानकारी, किन किन
आयामों की जानकारी होनी चाहिए, पेड़ पौधों की होनी चाहिए, सामाजिकता की होनी चाहिए, वहाँ के साधन संसाधनों की होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसको ये बताना पड़ेगा कि आगे चलकर अगर उसे कहीं और जाना पड़े तो नया ज्ञान कैसे प्राप्त करे। आजकल यही बात कही जाती है, लर्निंग टू लर्न एक शब्द है जो बहुत प्रचलित है। तो कुल मिलाकर के जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो कमियां हैं जो अश्विनी जी को दिखाई दी वो क्यों है उस पर ध्यान देना होगा। वो इसलिए है कि बोर्ड इस बात को पूरी तरह मान नहीं पाते हैं या मान नहीं पा रहे हैं कि उन्हें अपना कार्यक्रम अपना पाठ्यक्रम एनसीईआरटी से नीचे का नहीं बनाना चाहिए। राजपूत जी, अगर ये स्थिति बन जाए राजपूत जी तो निश्चित रूप से किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं। ठीक है सर, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ वन नेशन वन बोर्ड अगर हम गाइडलाइंस के तहत सिलेबस डिसाइड करें, सिलेबस तय करें, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दें, दैट विल आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ गोइंग वन नेशन वन बोर्ड। हाँ, मैं इसको थोड़ा आपको और ढंग से समझाना चाहता हूँ लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इसमें रुचि ले रहे हैं। अश्विनी जी, मैं आऊंगी आपके पास। मैं जब डायरेक्टर था तो हमने एक करिकुलम बनाया जी, और उस करिकुलम में हम लोगों ने हर किताब के पहले ये लिखा है कि ये पुस्तक जो है आप राज्य इसको पढ़ें, और लोकल एलिमेंट ऑफ द करिकुलम जो पाठ्यक्रम का स्थानीयता होती है उसको लाने का प्रयास करें और अवश्य लाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि गुजरात का बच्चा उन पेड़ पौधों के बारे में जाने जिनको उन्हें देखा नहीं, पहले अपने यहाँ को जाने। ये तो श्री अरविंदो ने भी कहा है कि फ्रॉम नियर टू फार, पहले जो आसपास है उसे सीखो, आगे चलो। यही भाषा के बारे में है, यही शब्दों के बारे में, यही शब्दों के बारे में। हाँ। तो मेरा जो कहना है कि ये वर्तमान स्थिति को भी संभव। ठीक है अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, क्या इसका मतलब ये है कि जो आप बात कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था। हाँ जी जी, कहिए सर। नहीं हम और राजपूत जी एक ही प्लेटफॉर्म पे है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हमारा ये कहना है कि स्टेट बोर्ड तो बाद में एक होगा, लेकिन पहले सीबीएसई आईसीएसई इन सब की अलग अलग क्या जरूरत है? जो नेशनल लेवल पे 3-4 बोर्ड पड़े हुए इनकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो एक हो सकता है, तुरंत का तुरंत हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट वालों में क्या होगा वो बात की, वो नेक्स्ट स्टेप है। समय की कमी है, इसलिए शो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गहन मंथन करने की जरूरत है, लेकिन ये देखना होगा कि सरकार इस पूरे ही मामले पर क्या रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपती है। 8 हफ्ते का समय उसके पास है।